ब्रेकिंग न्यूज। मथुरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान से आए प्रवासी श्रमिक मजदूरों को यूपी बॉर्डर पर रोका, पुलिस प्रशासन से हुई नोकझोंक। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मगोर्रा अंतर्गत रसूलपुर जाजमपट्टी यूपी राजस्थान बॉर्डर पर 500-600 की संख्या में श्रमिक प्रवासी मजदूर राजस्थान से यूपी की सीमा में प्रवेश करते हैं, तभी 112 यूपी पुलिस को इसकी सूचना मिली। तत्काल प्रशासन हरकत में आया और मौके पर सीओ गोवर्धन, एसओ मगोर्रा, एसएचओ सॉक सभी मौके पर पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम राजस्थान की बसों से यहां तक 700 रुपए में आए हैं, हमको बिहार व झारखंड जाना है। प्रवासी मजदूरों में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सभी शामिल थे, जिन्हें देखकर बड़ा ही दुख महसूस होता है। क्या किसी ने सोचा था कि मजदूरी के लिए मजदूरों को इन हालातों से गुजारना पड़ेगा? जब पुलिस अधिकारियों ने राजस्थान पुलिस वालों से बात की तो वह कुछ बताने की बजाय गर्म तेवर दिखाने लगे। तभी सीओ गोवर्धन ने अपनी पुलिस टीम के साथ राजस्थान सीमा में ही प्रवासी श्रमिक मजदूरों को रोक दिया, यूपी सीमा में घुसने नहीं दिया। यह बात तकरीबन 5 बजे के आसपास की है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के चलते जाजमपट्टी रसूलपुर बॉर्डर की घटना है। यहां से राजस्थान यूपी सीमा बिल्कुल सटी हुई है। अब देखना होगा कि यह मजदूर किसके कहने पर आए हैं और यहां इन्हें लाने का क्या मतलब था, यह तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट चौधरी वीरपाल सिंह, यहाँ जाजमपट्टी और राजस्थान और यूपी बॉर्डर को लेकर के जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, क्या मामला लोग थे यहाँ से? इनका इलीगल मूवमेंट हो रहा था, राजस्थान रोडवेज ने इनको यहाँ तक छोड़ा, पैसे भी लिए इनसे, और जो भी बिहार के मजदूर हैं तो इनको हमें लेने का आदेश फिलहाल नहीं था। उनसे हमने यही कहा कि आप लोग यहाँ के इनके जो सरकार है उनसे बात करें। मैंने डीएम साहब से भी बात की तो वहाँ से भी यही आदेश मिला कि यहाँ जो हमारा जाजमपट्टी का सेंटर था, इसकी जो हमारी सूची थी वो तो हमने सारे लोग ले लिए, भेज दिए गए वो जहाँ भी था अपने अपने घर। बाकी इन लोगों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, शासन जो भी निर्णय लेगा तो उस हिसाब से हम लोग। ये बताया जा रहा था बिहार और झारखंड के लोग भी आ रहे हैं, तो बिहार और झारखंड के लोगों को लेकर? झारखंड के ही लोग हैं ज़्यादातर, यूपी के जितने लोग थे वो हमने अपने यहाँ के रोडवेज में ला के भेज दिए सब लोग। अच्छा, जाजमपट्टी वाला जो हमारा सेंटर चल रहा था वो क्लोज हो गया है, वहाँ से जितने भी लोग लाने थे लगभग 14,000 लोग यहाँ से लाने थे।